गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने तथा लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करने की महत्वाकांक्षा के साथ रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा एक विशेष गणतंत्र उत्सव गोलघर स्थित इंदिरा तिराहे पर आयोजित किया गया। गुब्बारों तथा देश भक्तों के चित्रों से सजे शहर के हृदय बिंदु गोलघर देश भक्ति के रंग में डूब गया। देशभक्ति में ध्वनि पर हर हृदय में जोश की भावना भर रही थी। कार्यक्रम में SV डॉ. सुनील गुप्ता मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब और अश्वरा समूह द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में शहर को तिरंगे झंडे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तस्वीरों से सजाया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हमारे अध्यक्ष रोटेरियन HR जायसवाल जी, आज 26 जनवरी 2019 है, हमें पूरे 70 साल हो गए हैं गणतंत्र के रूप में, और ये बहुत बड़ी बात है और हम सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि जनमानस हम लोगों ने मिल करके अपने गणतंत्र को अभी तक संभाल के रखा है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, संपूर्ण गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर पुलिस, गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि हम पूरी तरह से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और आज बधाई संदेश में एक खास बात केवल यही है, जो हम हर साल प्रतिज्ञा लेते हैं उसी को इस साल भी हम आगे बढ़ाएं। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वही आज का संदेश है, आज के दिन का संदेश वही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अवसर की समानता और ये जितने भी हमारे संविधान के गुण हैं उसको आत्मसात करें, अंगीकृत करें, अधिनियमित करें और अपने आप को समर्पित करें अपने गणतंत्र के लिए। धन्यवाद। जैसे एक शाल पहना करके अपने मुख्य अतिथि को हमारी रोटरी इन्हीं प्रिंसिपल, इन्हीं सिद्धांतों पे चलती है। तो ये फोर बेटेस्ट सचिव रोटेरियन महावीर प्रसाद कटोई जी द्वारा, और अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि महोदय भी करते हैं तिरंगा सा।
इस नगर के प्रथम नागरिक। उसी के लिए राजकुमार शर्मा दीजिए सर। हेलो हेलो, ये बारो भारत माता की। हाँ भाई भैया बताओ। गंगरा बहा दिया तब भारत हुआ आजाद। कुर्बानी है शहीदों की ये मुल्क करता याद। लहू का गंगरा बहा दिया तब भारत हुआ आजाद। रोटरी क्लब एवं तो सेवा के लिए जाना जाता है। गोरखपुर में रोटरी क्लब का एक प्रमुख स्थान है और इस गोलघर की इस ऐतिहासिक इंदिरा गांधी विहार चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक रोटरी क्लब के एचआर जसवाल जी और आजदा जी, एमपी कंदोई जी और सभी सम्मानित रोटरी क्लब से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाई बच्चे हमारे देश के वीर शहीदों ने स्वतंत्र भारत हमको दिया है। 1947 में जब आजाद हुआ देश तो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश किस प्रणाली के अंतर्गत चलेगा। या राजतंत्र होगा या जनतंत्र होगा या और कोई तंत्र होगा। हमारे देश के मनुष्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना करके तैयार किया जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसमें दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत बना। इस विशाल देश में हर व्यक्ति को हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, कुर्बानियों से मिली है। हम नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि उन वीर शहीदों का हम सम्मान करें और इस जनतंत्र को सुरक्षित रखें। रोटरी क्लब ने यह कार्यक्रम किया है। इस पावन अवसर पर मैं गोरखपुर के जनता की तरफ से रोटरी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को सभी नागरिकों को के तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद जय भारत। सम्मान स्वरूप साल चाहेंगे भेंट कराना अपने मेयर मुख्य अतिथि को। सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।